जी नमस्कार, एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम चल रहा है, क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 पार्ट 5 एपिसोड। आज हम लोग ऑपरेशन सीखेंगे रियल नंबर का। ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर एपिसोड 5 में, यानी इससे एक्सरसाइज जो बनेगा वह 1.5। पुरानी वाली में और नई वाली में एक्सरसाइज 1.54 नई वाला में। अगर हम बात करें रियल नंबर का, अब रियल नंबर दो पार्ट में हुआ। एक को कहा गया रेशनल नंबर, दूसरा को कहा गया इरेशनल नंबर। अब ऑपरेशन चलेगा, तो पहले कंबाइंड ऑपरेशन चलेगा, चूंकि रियल की बात कर रहा है। इधर से रेशनल, इधर से इरेशनल, 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 रेशनल, इरेशनल, यहां। अब गौर से देखो, अगर एडिशन करोगे तो इरेशनल होगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तब भी होगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी होगा, डिवीजन करोगे तब भी होगा। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो वह इरेशनल ही होगा। यह बात समझ में आ गया, ठीक है। और रेशनल नंबर के बीच में तो जानते हो कि रेशनल होगा, लेकिन इरेशनल नंबर के बीच में शक है। अगर आप एडिशन करेंगे, एडिशन अच्छा से कर देता हूं, तो वह रेशनल भी आ सकता है। तो यहां पर रेशनल और इरेशनल के बीच में बात ही, अब बात हुआ एक वर्ड है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक में होता है। अब लाइक वर्ड को सीखना पड़ेगा। एक बार विद्यार्थी बोला कि इरेशनल इरेशनल के साथ जुड़ जाएगा, हमने कहा ठीक है जोड़ो, रूट थ्री या रूट टू को बुलाया सीखा गया। हमने बोला लाइक होना चाहिए, फिर हमने कहा कि देखो ये टू रूट थ्री है और यहां पर थ्री रूट थ्री है, अब बोलो जोड़ोगे जुटेगा कि नहीं जुटेगा, कितना हो जाएगा 5√3। समझ में आया? यानी दोस्तों एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक होता है। लाइक में ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, यानी यह बात आपका क्लियर है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन का। आइए मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। तो यहां पर देखो ए प्लस बी, आइए माइनस बी करते हो, तो ए में ए से गुणा किया तो ए स्क्वायर हो गया, ए वाला इससे गुणा किया तो माइनस ए बी, इससे किया तो ए बी ए, और ये वाला बी स्क्वायर, ए बी ए बी कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा। अब सोचना ये है कि यहां पर अगर 2√3 है और यहां पर 2√3, तो 2 × 2 = कितना 4, यहां पर 2√3, फिर 2√3 और यहां 3, यानी 4 में से 3 गया तो 1। यह बात भी तुमको करने आ गया, लेकिन इससे बड़ा बड़ा ऑपरेशन आने वाला है। अब यहां पर आ गया 2√3,
और यहां 3 + √2, अब कैसे होगा 2 × 3 = 6, 2√3 √2, और ये वाला इसे 3√3, और ये वाला यहां 3 × 6, और इसे अब ये वाला इसे और ये वाला इसे, यानी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है समझ गए। अब डिवीजन की बात हुई, जैसे 1/√2 है तो डिनोमिनेटर हमेशा नहीं जनरली फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब रेडिकल्स का मतलब रेशनल नंबर होना चाहिए। यानी यहां पर हम क्या में मल्टीप्लाई करें तो ऊपर √2 से नीचे भी √2 से, तो यह √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यह बात क्लियर हो गया। अब यहां पर रेशनलाइज की बात आती है कि रेशनलाइज क्या होता है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे 1/√2 है, 1/√3 है, 1/√5 है, 1/√7 है, और 1/√2n है। रेशनलाइज की बात हुई, फिर यहां 1/√8 है। यहां पर हम √2 से ऊपर नीचे रेशनलाइज करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां √2/2, यहां √3 से करना पड़ेगा, यानी √3/3। यहां पर √5 से करना पड़ेगा, यानी √5/5। यहां √7 से करना पड़ेगा, यानी √7/7। और यहां √10 से करना पड़ेगा, यानी √10/10। यहां कैसे करना पड़ेगा, √2 से। एक बार विद्यार्थी बोला √8 से, हम कहा कि इसको 2√2 लिख सकते हैं, बोला यस सर, हम लिख के समझ गया, मजा आ गया। बोलो यस सर, मजा आया कि नहीं आया। अब हम लोग रेशनलाइज के दूसरे पार्ट को भी देखते हैं, क्या देखेंगे भाई। यहां पर √a ऐसे, चूंकि आज रेशनल का रियल मतलब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को आज समझाने, चूंकि ये बार बार की समस्या को आज मैं समाप्त ही कर दूं, ये मेरी रियल में मंशा है, ये क्वेश्चन है नहीं? और बोलेगा ये तो बिल्कुल आसान है सर, तो क्या सर ऊपर √a √b ia -b, ये भी आसान है सर √a √b ia -b, यानी प्लस वाले को माइनस कर दिया, माइनस वाले को प्लस कर दिया, ये लोग करने सुन सुना लेते हैं नहीं, आपको रेशनल नंबर आना है। यानी ये प्रश्न के लिए अभी तुम्हें थ्योरी पढ़ने पड़ेंगे। आइए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अलजेब्रा का a^n b^n, a - b, a^n-1, a^n-2, b^1, और a^n-3, b^2, ए डॉट डॉट डॉट, a^n-1 और b^0। ये इससे तुम्हें कंसेप्ट लेना पड़ेगा, यानी a^2 - b^2
ए माइनस बी और ए बी। यानी इससे तुम्हारे पास क्या हुआ, ए के पावर हाफ के पावर टू, बी के पावर हाफ के पावर टू। तो ए के पावर हाफ बी के पावर हाफ, यहां पर ए के पावर हाफ बी के पावर हाफ, यानी यह ए माइनस बी हो गया रूट अंडर ए रूट अंडर बी, यहां रूट अंडर ए रूट अंडर बी। यह बात आपका क्लियर हो गया। आप तो सोचो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहां ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये थर्ड रूट में सोचता है तब यह क्या होगा, यहां थर्ड रूट ऑफ ए थर्ड रूट ऑफ बी और यहां ए के पावर दो बटे तीन वन बाई थ्री बी के पावर वन बाई थ्री बी के पावर टू बाई थ्री। यानी यह ए माइनस बी हो गया, यानी ए के पावर वन बाई थ्री बी के पावर वन बाई थ्री और यहां ए के पावर टू बाई थ्री ए के पावर वन बाई थ्री बी के पावर वन बाई थ्री बी के पावर टू बाई थ्री। यानी ए माइनस बी रहेगा, यानी ये रहेगा तो इसका रेशनलाइज ये होगा और ये रहेगा तो इसका रेशनलाइज करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी ढंग से अगर ये फोर्थ रूट की बात करेगा तो आइए देखते हैं ए के पावर फोर बी के पावर फोर ए माइनस बी ए क्यू ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर बी क्यू। यानी ए के पावर वन बाई फोर के होल पावर फोर बी के पावर वन बाई फोर के होल वन पावर फोर ए के पावर वन बाई फोर बी के पावर वन बाई फोर। तो ए के पावर तीन बटे चार दो बटे चार एक बटे चार एक बटे चार दो बटे चार और यहां बी के पावर तीन बटे चार। अब ये ए माइनस बी आ गया, यानी इसका रेशनलाइज ये करेंगे आई से ये करेंगे। इसी ढंग से तुम्हारे अंदर से आवाज आ रहा होगा कि ए के पावर फाइव बी के पावर फाइव है, तो यहां ए माइनस बी हो गया ए के पावर फोर ए के पावर थ्री बी ए के पावर टू बी के। यानी ए के पावर वन बाई फोर के पावर फाइव फोर ओ फाइव और यहां बी के पावर वन बाई फाइव के पावर फाइव। ए के पावर वन बाई फाइव बी के पावर वन बाई फाइव और यहां ए के पावर चार बटे पांच ए के पावर तीन बटे पांच बी के पावर एक बटे पांच ए के पावर दो बटे पांच बी के पावर दो बटे पांच प्लस ए के पावर एक बटे पांच बी के पावर तीन बटे पांच और बी के पावर चार बटे पांच। ये आ गया, यानी यह ए माइनस बी होगा ए के पावर वन बाई फाइव बी के पावर वन बाई फाइव ए के पावर चार बटे पांच तीन बटे पांच बी के पावर एक बटे दो बटे पांच दो बटे पांच। हम समझते हैं कि रेशनलाइज का मतलब अभी सब लोग समझ गया, यानी इसमें हम क्या से गुणा करें ताकि रेशनल नंबर आ जाए या इसमें क्या से गुणे ताकि रेशनल नंबर आ जाए। आप देखिए पीछे वाला पार्ट में चलते हैं, यानी इसका रेशनल बिल्कुल आप लोगों ने सीख किया है तो ग्रीन कलर से अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी ए के पावर दो बटे तीन ए के पावर एक बटे तीन बी के पावर एक बटे तीन और बी के पावर दो बटे तीन से ऊपर नीचे रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये आप एडवांस स्कूल में एडवांस साइंस यहां आपको एक घर में आ गया है। बोलो ऐसे नो इसका क्या होगा रेशनलाइज तो समझ में आ गया। बोलो यहां पर ए के पावर तीन बटे चार
ए के पावर 2/4, बी के पावर 1/4, यहां पर ए के पावर 1/4, बी के पावर 2/4 और यहां बी बटे 2/4 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। इसी ढंग से पांच वाला के भी करना पड़ेगा। तो रेशलाइज का मतलब आप लोग बिल्कुल आप समझ गए। अब तुम लोगों को पता है कि क्या होने वाला है, क्वेश्चन विंडो का समय आने वाला है, लेकिन अभी आप लोग 20 मिनट समय बिताए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे 10 मिनट तक और यहां ही खिंचाएगा। ये यहां पर देखो तुमको बताना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर रेशनल और कौन है इरेशनल। देखो भैया ये रेशनल है इरेशनल है, सब्ट्रैक्शन करोगे इरेशनल होगा। यहां पर ये 3+√23 और यहां 23 कट गया तो 3 हो गया, यहां √7 से √7 कट गया तो 2/7 हो गया, ये वाला इरेशनल हो गया, ये भी इरेशनल हो गया। अब सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन। आइए इसको हम पहले क्वेश्चन को करते हैं, 3 ऐसे कर दो ना, 3 2+√2 और यहां √3 2+√2, 3 2 = 6, 3√2 2√3 यहां √6। अब सेकेंड क्वेश्चन को यहां पर √5 - √2 × √5+√2 यानी यहां √5 √2 - √2 √5+√2। √5 को √5 से गुना किया तो 5, यहां √10, यहां 2 से फिर किया तो √10 और यहां पर 2, √10 से √10 कट गया, 5 - 2 = 3। इसी ढंग से इस प्रश्न को किया 3 और 3 - √3, यहां √3 और √3 - √3, तो 3 3 = 9, 3 - √3, यहां भी 3√3, यहां 3, 9 में से 3 = 6। अब यहां पर हम लोग देखेंगे √5 यहां √2 का होल स्क्वायर यानी √5+√2 और यहां पर √5+√2। अब √5 से 5 से गुना करेंगे 5, यहां पर √10, यहां पर भी √10 और यहां ये करेंगे तो हो गया 4, तो 5 = 9 और 2√10 ये आपका आ गया। अगली प्रश्न, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, जिसे सी कहा गया, और सर्कल इट्स डायमीटर जिसे डी कहा गया। यहां C/D या कोई रेशनल नंबर नहीं आने वाला है कि पाई रेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आया? दिस सीम टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट द पाई इज द इरेशनल नंबर, हाउ टू डिसॉल्व द कंट्राडिक्शन। कर सकते हो बिल्कुल, बोलो। अगर ये दोनों इंटीजर्स आ जाता, दोनों क्या आ जाता, क्योंकि आपने डिफिनेशन में क्या पढ़ा है, रेशनल नंबर तब होता है जब पी अपॉन क्यू होता है, क्यू नॉट इक्वल जीरो होता है, वेयर पी एंड क्यू आर रेशनल नंबर, सॉरी इंटीजर्स। बोलो यस अनु, बोलो। ये सर्कल ले लिया तो क्या यार रेशनल नंबर है, ये रेशनल दोनों इंटीजर्स हो सकता है? अरे पॉइंट में भी तो हो सकता है, बोलो बोलो है ना, पे मिरर भी हो सकता है। अगले प्रश्न, ये नंबर लाइन पर दिखाना है,
ये नंबर लाइन पर तुम्हें हम दिखाना सिखा दिया है, फिर से हम रूट अंडर एक्स को दिखाता हूं। इसको एक्स इंटू वन लिख सकते हो, यहां ऑरिजिन ले लिया, ये वाला एक्स और ये वाला वन। अब यहां बाइसेक्टर कर दिया, सेमी सर्कल खींच दिया, यह वैल्यू चूंकि ये वाला वैल्यू एक्स प्लस वन बाई टू हो जाएगा और ये वाला वैल्यू एक्स माइनस वन बाई टू हो जाएगा। अब ये वाला वैल्यू निकालोगे तो ये सी मान लिया, ये पी मान लिया, तो यहां पर ओपी स्क्वायर इजकल टू पी सी स्क्वायर माइनस सीओ का स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर, यानी चार एलसीएम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन। यहाँ वन वन कट जाएगा, यहाँ पर फोर एक्स बाई फोर कट के वन हो गया, यानी ओ पी स्क्वायर इजकल टू एक्स, यानी ओ पी बराबर रूट अंडर एक्स। यहां पर भी आपको यही करना पड़ेगा, ये और जो है 9.3 ए वाला वन। अब सेमी सर्कल खींच दिया और ये वाला वैल्यू 9.3, यहां सुई ऐसे दिखा दिया रूट अंडर 9.3। अब तुम्हारे पास रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है। यहां पर रूट अंडर सेवन ऊपर नीचे रूट अंडर सेवन से करना पड़ेगा, यानी रूट अंडर सेवन बाई सेवन हो जाएगा। यहां रूट अंडर सेवन माइनस रूट अंडर सिक्स है तो रूट अंडर सेवन प्लस रूट अंडर सिक्स, यानी यहां रूट अंडर सेवन प्लस रूट अंडर सिक्स, सात में से छह गया तो एक। इसी ढंग से यहां पर रूट फाइव प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा रूट टू से, यानी ऊपर रूट फाइव माइनस रूट टू, पांच में से तीन दो गया तो तीन। यहां पर भी यहां रूट सेवन प्लस टू और यहां रूट सेवन प्लस टू, यहां रूट सेवन प्लस टू, सात में से दो चार चला गया तीन। अब यानी आपका समय समाप्त हो गया, 1.5 आपका कंप्लीट। रेशनलाइज से लेकर सब चीज कर दिया, मिल जाएगा वीडियो में।